दोस्तों, झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 का फाइनली आज एग्जाम संपन्न हो गया है और आज आंसर की आप सभी को शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, यह जो आंसर की आप सभी को मैं बताने वाला हूं, यह ग्रुप ए का है, ठीक है। यह ग्रुप ए का है और यह जो आंसर की यह जो क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड किए हैं, यह जो है धर्मेंद्र कुमार, जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का दिए हैं, वो स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप द्वारा यह क्वेश्चन को भेजे हैं, तो उसका आप सभी को मैं आंसर की बताने वाला हूं। तो जो जो स्टूडेंट ग्रुप ए का आंसर मिलाना चाहते हैं, वह यह सभी प्रश्नों से अपने मिला सकते हैं। बात करें यह क्वेश्चन कौन सा है, तो यह क्वेश्चन फिजिक्स का है। चलिए सबसे पहले आप सभी को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का आया हुआ था, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि ऊर्जा का जो मूल स्रोत होता है वो सूर्य होता है। जो स्टूडेंट ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य मारे होंगे, उनका बल्ले बल्ले है। अगर गलती से भी कोई यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन या सभी मारे होंगे, तो उनका जो है एक नंबर खत्म है। दोस्तों, एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ा सा आप सभी का मैं समय कम लेना चाहता हूं और मैं आप सभी को क्या करना चाहता हूं कि डायरेक्ट एग्जाम का जितने भी क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए ये 102 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बताते मैं चलूं, एक्सप्लेन ना करके डायरेक्ट मैं आप सभी को बताते चलूं। इससे क्या होगा कि आप सभी अपना आंसर मिला लेंगे कि आप सभी का ग्रुप ए में आंसर कितना था और आपने कितना सही किया है। एक्सप्लेन करने और नहीं करने का अब टाइम नहीं रहा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, 101 का जो क्वेश्चन था, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। अगर आप सभी ने बी ऑप्शन लगाया है, सूर्य, तो आप सभी का सही होगा। अगर बात की जाए 102 की कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 10 सेंटीमीटर लगाया है तो उनका जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर आप सभी अगर दूसरे कुछ ऑप्शन पर ट्राई किए होंगे तो उनका जो क्वेश्चन है वो गलत होगा। अगला क्वेश्चन था 103 में, आपको केरोसिन, टेप्टाइन और जल दिया जाता है, इनमें से किसके प्रकाश तेजी से चलता है। अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने ए जल का लगाए होंगे तो उनका आंसर सही हुआ होगा, 103 का जो है ए होगा, उसका करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 104 नंबर प्रश्न की। 104 नंबर प्रश्न में आप सभी से क्या पूछा गया है, 104 नंबर में कि एक उत्तल लेंस, उसमें 50 सेंटीमीटर दूरी दूर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने प्लस में 0.25 मीटर के दूरी पर प्रतिबिंब का आकार बनाने के लिए रखा गया था, वो अगर रखे होंगे सी का, अगर वो लेकर चले होंगे तो उनका आंसर सही है। अगर वो अगर दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन डाले होंगे तो उनका जो क्वेश्चन का 104 का आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी लोग मिलाते चलेंगे, ठीक है ना। 105 का, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि मिट्टी का जो मिट्टी जो है ना, उसको हम लोग लेंस के बनाने के प्रयोग में नहीं करते हैं। तो 105 के वैसे स्टूडेंट जो सी मारे होंगे तो उनका सही क्वेश्चन हुआ होगा, अगर उन्होंने दूसरा कोई सी ऑप्शन को चूज किए होंगे तो उनका जो है क्वेश्चन गलत हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को देखते हैं, आप सभी से क्या पूछा गया है। और आप सभी एक चीज ये भी बताते चलेंगे कि यहाँ पर मुझे आप सभी को, मैंने कुछ पिछले भी वीडियो में भी आप सभी को मैं लगातार यही बताते आ रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में किसी कोई एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को वो हार्ड करेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बता रहे हैं कि सर केमिस्ट्री भी हार्ड था और मैथ सबसे ज़्यादा हार्ड था। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था किसी एक सब्जेक्ट को वो पर्टिकुलरली जो है वो हार्ड करेगा। तो मैथ को हार्ड किया है, केमिस्ट्री को मॉडरेट रखा है और फिजिक्स को जो है पूरा सिंपल रखा है। फिजिक्स का क्वेश्चन या सभी आप सभी ने पहले से पढ़ रखा है और यह सभी एकदम हलवा क्वेश्चन था, बउआ वाला क्वेश्चन था। और आप सभी के लिए ग्रुप ए का तो बहुत बल्ले बल्ले था और सभी का बी सी जितने भी ग्रुप होते हैं उनके क्वेश्चन आगे पीछे पैटर्न में रहते हैं, ठीक है। चलिए एक एल लंबाई और एक समान ए अनुप्रस्थ वाले बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है, तो लंबाई 2L और प्रतिरोध आर वाली उसी पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। आप सभी को अगर वैसे स्टूडेंट जो 2A लगाए होंगे, अगर ए एल अनुप्रस्थ लंबाई एक समान अनुप्रस्थ की वाले बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है, तो 2L का प्रतिरोध आर वाले पदार्थ का अनुप्रस्थ काटते हैं तो वो कौन है, तो 2L घनस्त्रम जो है काटते हैं। तो अगर 106 का वैसे स्टूडेंट जिन्होंने डी ऑप्शन डाले होंगे उनका क्वेश्चन पूरा बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक एक विद्युत स्थिति का उष्ण
उष्मन तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, आप सभी को बताना था। और आप सभी ने अगर नाइक्रोम लगाया होगा, थोड़ा सा बारिश का आवाज़ थोड़ा सा लाउड आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी को मैं जल्दीबाजी में आप सभी को मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए मैं थोड़ा सा कम आप सभी को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ताकि आप सभी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन जो है सही आप सभी को है या नहीं ये आप सभी को मैं पता करा दूँ, ये आप सभी के लिए मैंने ट्राई किया है। चलिए सवाल नंबर 107 है कि एक विद्युत स्त्री का उष्मीय तत्व जो है वो नाइक्रोम का होता है। तो अगर आपने 107 नंबर क्वेश्चन का अगर ऑप्शन बी मारा है तो वो बिल्कुल सही होगा। अगर सवाल नंबर 108 की बात किया जाए कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, विद्युत का जो एम्पियर है वो 0.15 A है, तो बल की शक्ति आप सभी को बताना था। तो अगर आप सभी लोग ने 110 वाट का अगर पकड़ के चले होंगे, तो आप सभी को एक चीज़, ये सभी क्वेश्चन हमने कितना बार रिपीट कराया था, 108 का जो क्वेश्चन होगा वो बी सही होगा, अगर बी 110 वाट अगर आप सभी ने ऑप्शन लगाया होगा तो। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के निकटतम में है आप सभी के लिए, वो क्या है कि एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, जब वह स्रोत से 4 एम्पियर धारा को खींचता है, यदि विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा, आप सभी को बताना था। अगर आप सभी ने 8 एम्पियर तक का लिखा है तो आप सभी का ऑप्शन सही है, अगर आप सभी दूसरे ऑप्शन ए सी डी लेकर गए होंगे तो आप सभी का ऑप्शन गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए, दिया गया है आप सभी को इतना इतना क्वेश्चन और आप सभी को बताना था। तो अगर आप सभी लोग ने परिपथ के कुल प्रतिरोध का यहाँ पर ऑप्शन आप सभी देख रहे होंगे, अगर आप सभी लोग ने 113 का अगर सवाल नंबर सी का अगर 18 ओम अगर आप सभी ने लिखा है तो इसका ऑप्शन सही होगा, अगर आप सभी दूसरे ऑप्शन से गए होंगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी को मैं बताऊँ। एक विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करना चाहता है, जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासन करने से कौन सी प्रक्रिया उसकी सहायता करेगी, तो यह जो है क्रिस्टलीय जो ऑप्शन 114 का ऑप्शन बी लेकर चले होंगे वो सभी स्टूडेंट का यह ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अभी तक मुझे इतना क्वेश्चन टोटल 14 क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड कराए गए थे फिजिक्स का, आप सभी को मैंने करा दिया है। जैसे जैसे आप सभी लोग क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे आप सभी को मैं जो है ना आप सभी को मैं क्वेश्चन पूरा का पूरा आंसर की आप सभी को मैं बता दूंगा। और आप सभी से मैं कोशिश करना चाहता हूं कि आप सभी को एक एक्सपेक्टेड जो है ना कटअप आप सभी को मैं बता दूं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप सभी लोग 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी आए थे, करेक्ट वाला तुक्का वाला नहीं। ठीक है, आई होप कि आप सभी का आज का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। फिर मिलते हैं फिर एक नई सीरीज़ में, जब तक के लिए जय हिंद।